जितने जलसे करने हैं कर लें, अगर कानून तोड़ा तो सीधा जेल में जाएंगे, किसी सूरत एनआरओ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ की बीमारियां सुनकर तो शीरी मजारी की आंखों में भी आंसू आ गए। लंदन की हवा लगते ही नया नवाज शरीफ सामने आ गया, खुद बाहर बैठकर कारकुनों से कहता है सड़कों पर निकलें, टीमे के नान भी खिलाओ तो लोग नहीं निकलेंगे। वजीर आजम इमरान खान साबिक वजीर आजम पर बरस पड़े, कहा पाक फौज के खिलाफ जुबान दराजी भारतीय एजेंडा है, मुझे पाकिस्तानी फौज से कोई मसला नहीं, आईएसआई को भी इल्म है कि मैं किस तरह जिंदगी गुजार रहा हूं। नवाज शरीफ ने कहा मुझसे जहीरुल इस्लाम ने इस्तीफा मांगा, जहीरुल इस्लाम को इल्म था तुमने कितना पैसा चोरी किया। नवाज शरीफ आईएसआई को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, कहां आयतुल्ला खुमैनी, कहां हमारा निहारी खाने वाला। अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पर निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे तो आपने अभी पहले देख लिया कि जलसे कितने बड़े बड़े हमने किए हैं। मैं ये सारे मिलके भी ये कोई दो साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था, और उसकी वजह है लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं, लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं, वो आप कीमे के नान भी खिला दें वो फिर भी नहीं निकलेंगे। पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? पाकिस्तान की फौज खड़ी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है। कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि आईएसआई को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? अब इनको पता है कि पाकिस्तान आईएसआई को सारी इनकी चोरी का पता है, इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक आईएसआई के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी तो मैं हूँ।